हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, बात करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के लिए गठित शिक्षा आयोग या समितियां। तो आधुनिक भारत में ऐसे काफी सारे आयोग और शिक्षा समितियों का गठन किया गया जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, शिक्षा का विकास हो सके। तो इसमें अगर अपन पहले बात करें तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 1835 में गठित मेकाले स्मरण पत्र, और इस समय आपके जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसी तरह से आपको उस आयोग या समिति और फिर उसके गठन का वर्ष और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, इस तरह से आपको याद रखना होगा। जेम्स टॉमसन प्लान 1843, 1843 ईस्वी में इसका गठन होता है। लॉर्ड एलन बरो इस समय गवर्नर जनरल थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ओल्ड डिस्पैच। और डिस्पैच 1854, 1854 ईस्वी में इसका गठन होता है। लॉर्ड वेलेजली इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। बात करते हैं नेक्स्ट हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन 1882, 1882 ईस्वी में होता है, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रेले आयोग। रेले आयोग का गठन 1902, 1902 ईस्वी में होता है, और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट है आपका सेडलर आयोग। सेडलर आयोग का गठन 1917, 1917 ईस्वी में होता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट हर्टोन समिति, जिसका की गठन 1929, 1929 ईस्वी में इसका गठन होता है। लॉर्ड इरविन इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट वर्धा योजना। वर्धा योजना का जो गठन है वो 1937, 1937 ईस्वी में इसका गठन होता है। लॉर्ड लीन लिथगो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं सार्जेंट योजना 1944, 1944 ईस्वी में इसका गठन होता है। और लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। नेक्स्ट और लास्ट राधा कृष्ण आयोग 1948, 1948 ईस्वी में इसका गठन होता है। सी राजगोपालाचारी इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से हमने आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के लिए गठित शिक्षा आयोग और समितियों को देखा। इनसे किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर अगर अपन बात करें तो देखिए, आपको ऑप्शन में तीन शिक्षा आयोग दे दिया और एक अलग कोई दूसरा आयोग दे दिया और आपसे पूछ लिया निम्न में से कौन सा आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के लिए गठित शिक्षा आयोग नहीं है। तो वहां पर इस तरह से, तो ये जो भी आयोग जिन पर अपन ने बात करी यहाँ पर, जो भी आयोग और समिति, इनको आपको इसी तरह से याद रखना है। और अगर आपको बातें पसंद आ रही है, मेरे द्वारा जो भी चीजें बताई जा रही है वो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, साथियों में शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो साथियों बने रहिए आरबीएससी से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेड सेकेंड या फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में शिक्षा आयोग इस तरह से आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इस तरह से आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है और उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो ये जो शिक्षा आयोग अपन ने यहाँ पर देखे हैं इनसे संबंधित प्रश्न वहां पर आपको दिखेगा। आने वाले एग्जाम में भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है ऐसा प्रश्न पूछा जाए। तो साथियों आप एक बार फिर से जब इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं फिर एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।